आजमगढ़ जिले में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव गुंवाई में किसी अज्ञात शख्स ने शनिवार की रात धारदार हथियार से एक महिला और उसकी 12 साल की नातिन की बेरहमी से हत्या कर दी। रविवार सुबह जब लोगों को दोहरे हत्याकांड की खबर मिली तो लोग सहम उठे। लोगों की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि इस हत्या की वारदात को अंजाम किसी परिचित शख्स ने दिया है जो कि घर में पहले से ही मौजूद था। दरअसल गुवाई गांव निवासिनी लीलावती गुप्ता का पूरा परिवार बिहार में रोजगार करता है। लीलावती के साथ घर में सिर्फ उनकी 12 साल की नातिन आंचल गुप्ता रहती थी। शनिवार की रात दोनों खाना खाने के बाद सो गए थे, मगर सुबह पड़ोसियों को घर का दरवाजा खुला मिला। दरवाजा खुला था मगर घर में कोई चहल पहल नहीं थी। पड़ोसियों को किसी अनहोनी की आशंका हुई तो घर में जाकर देखा, घर के अंदर लीलावती और उसकी नातिन की लाश मिली, जिसे देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए। ग्रामीणों ने बिना देरी किए तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद दीदारगंज थाना पुलिस के साथ एसपी अनुराग आर्य भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई। अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को घर में सामान बिखरा मिला है। पुलिस 4 टीम बनाकर मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। थाना दीदारगंज में गुवाई गांव में आज सुबह लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 50 वर्षीय महिला और उनकी लड़की दो की डेड बॉडी में घर के अंदर मिली है। इस सूचना पर थाना प्रभारी दीदारगंज, CEO, एडिशनल SP मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया। DI साहब भी मौके पर आए। फॉरेंसिक टीम के द्वारा लगभग 2 घंटे तक सारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है। अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो मौके से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया है, उससे प्रतीत हो रहा है कि कोई परिचित व्यक्ति था जो घर के अंदर था। कल रात से और सुबह 4 बजे के बीच की घटना लग रही है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो परिवार से परिचित था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। ये प्राथमिक एविडेंस जो सामने आया है उससे पुलिस को ये पता चला है। मौके से जो मृतक हैं उनका मोबाइल पुलिस को बरामद हुआ है। कोई सामान बिखरा हुआ है लेकिन कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मौके से गायब मिली हो। बाकी छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। 4 टीमें मेरे द्वारा इसमें गठित की गई हैं, जिसमें SOG की 2 टीमें हैं, सर्वलांस की टीमें हैं और थाना सरायनीर की 1 टीम इसमें लगाई गई है, थाना दीदारगंज की 1 टीम लगाई गई है। एडिशनल SP जो देहात है उनके नेतृत्व में इस पूरी घटना का बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। मौके पर कोई सुराग मिला है सर? जो मौके से एविडेंस कलेक्ट हुआ है उसके आधार पर जितनी चीज़ें आई हैं वो मैंने आपको बताया है कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि कोई परिचित व्यक्ति घर के अंदर था जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। और भी अन्य संभावनाओं को भी पुलिस टटोल रही है और जो भी आगे इसमें एविडेंस कलेक्ट होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना का खुलासा बहुत जल्दी किया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, बच्ची की उम्र कितनी होगी? लगभग 12 वर्ष के आसपास बताया गया। तो इसमें क्या कौन सा मामला उसको हो सकता है? प्रेम प्रसंग का मामला है क्या? ये तो अभी मौके से फॉरेंसिक एविडेंस के बाद डेड बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। विवेचना आगे होगी तो सारे तथ्य निकल के आएंगे कि घटना का कारण क्या हो सकता है और घटना किसके द्वारा कारित की गई है। हम बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। परिवार में दोहरे हत्याकांड से मातम का माहौल है। वहीं पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए SP ग्रामीण सिद्धार्थ कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। SP अनुराग आर्य का कहना है कि जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।